दीपावली के त्योहार पर दीपक से आग लगने से घर में लगी आग, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। रात्रि करीब 2 बजे आग लगने का मामला बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार दीपक से लगी आग, परिजनों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सूचना पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। परिजनों के अनुसार लगभग 10 लाख रुपए के सामान का जलने का हुआ है नुकसान। थाना अलीगंज क्षेत्र के मोहल्ला छेदालाल गोड़ के मामला। ये आग जो है दीपक वगैरह से कहीं स्टार्टिंग उसका हुआ, पलट गया या किसी कॉटन कपड़े से टच हो गया। रात में वो उसे लगता रहा, उसके 2 बजे के आसपास हमको पता लगा, तो हमने फिर उसको बोला और बाकी लोगों को बुलाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया। जब तक वो आते तब तक मोहल्ले वाले हमारे साथी लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें मेहनत की और उसको बुझाया। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग अब करीब करीब 9 से 10 लाख रुपए के लगभग हुआ होगा, लेंटर से लेके और सारा कुछ, कंस्ट्रक्शन कपड़े, कॉटन, आपका रजाई गद्दे और बक्से वगैरह सभी जल गए। तो फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई थी क्या? फायर ब्रिगेड तो आ नहीं पाई, पुलिस पहले आ गई थी, तब उसके कर्मचारी आए थे।